कैसे बालक राम आए हैं गोस्वामी जी के पास, कैसे दिव्य श्री राम गीतावली श्री कृष्ण गीतावली प्रकट हुई है। उसके बाद गोस्वामी जी ने दोहावली प्रकट करी है, फिर गोस्वामी जी ने कवितावली प्रकट करी है, फिर हमने गोस्वामी जी का जो गोस्वामी जी ने मीरा जी की समस्या का निवारण करा है उसका चित्रण करा है। अब तो जन जन में ये चर्चा है कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया। ये खबर दिल्ली की सल्तनत पे बैठे बादशाह अकबर के कान तक पहुंची है। अकबर ने अपने दूत हाफिज खान को भेजा है, जाओ और गोस्वामी तुलसीदास जी को आदर पूर्वक हमारे महल में लेकर आओ। दिल्ली पति पातशाह अहधी पठाए लैन, ताको सो सुनायो सुबे विप्र जायो जानिए। देखी वे कुचाहे नीके सुख सो निवाहे आए, कही हार भी मैं गए चले मन आनिए। पहुँचे पति पाद आदर प्रकाश कियो, जियो उच्च आसन ले बोलो सनो मानिए। दीजे करामात जब चाँद सब मात कियो, कहीं झूठ बात एक नाम पान चाहिए। अब तो दिल्ली पति बादशाह अहदी पठाए लेन, ताको सो सुनायो सुबे विप्र जायो जानिए। कहा जाओ आप भी काशी नगरी में और जो चर्चा हमने सुनी है इसकी पुष्टि करो कि गोस्वामी तुलसीदास जी ने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। जाओ खबर लो और अगर ये बात सत्य है तो उनको आदर पूर्वक हमारे महल में लेकर आइए। तुलसीदास जी की मौका चढ़ी है जाओ भव है पार, तुलसीदास जी की मौका चढ़ी है जाओ भव है पार। चौर ख्याति अब छाई चौर ख्याति अकबर ये चर्चा सुन पाई, अकबर ये चर्चा सुन पाई। तुलसी मृतक को दिए जीवाए, तुलसी मृतक को दिए जीवाए, अद्भुत राम चरित्र रचनाए, अद्भुत राम नाम सत्संग सुना। कि तुलसीदास जी नाम का एक हिंदू फकीर रहता है काशी में, जिसने मुर्दे को जिंदा कर दिया है। अरे बड़े चमत्कार कर रहा है। और तो और ऐसा सुनने में आया है कि हिंदुओं के खुदा जिसको ये लोग राम कहते हैं उनका इतना दिव्य भव्य इतना एक गजब का चरित्र इस तुलसीदास फकीर ने रचा है कि जो उसको सुन लेता है सो मंत्रमुग्ध हो जाता है। तब तो बादशाह के मन में कौतूहल जागा और इच्छा हुई, क्योंकि अकबर ने बहुत संतों का संग करा है, मीरा जी का संग करा है, सूरदास जी का संग करा है, गोस्वामी जी का संग करा है, कुंभन दास जी का संग करा है, परमानंद दास जी का संग करा है, हरिदास जी का संग करा है, हरिवंश महाप्रभु के पास आए हैं, श्री रूप सनातन गोस्वामी जी के पास पत्र भेजा है,
खूब अकबर ने संतों का दर्शन करा है, रानी रत्नावली का सत्संग सुना है। संत जन कहते हैं कि अकबर का जो इबादत गृह था, जहां वो इबादत करता था, वहां पर सदा एक स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का, और कुछ लोग कहते हैं मीराबाई जी का, और कुछ कहते हैं रत्नावली का, रानी रत्नावली जो भी है उनको दूसरी मीरा जी कहा जाता है। अकबर के इबादत गृह में सदा वो अपने पास श्री गोस्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज जी का और रानी रत्नावली का चित्र रखता था अपनी इबादत में। बहुत संत प्रेमी था, चाहे किसी भी माध्यम से, लेकिन बहुत संत प्रेमी था, संतों के दर्शन के प्रति बहुत निष्ठा थी। इतनी निष्ठा थी कि श्री भगवत रसिक जी ने जो भक्तमान जी के सब भक्तों के चरित्र का स्मरण करते हुए भक्त नामावली की रचना करी है, हम सोहिन साधन सोपंगति जिनको नाम ले तो छूटत सुखम तक किन संगति, मुख्य महंत कामरति गणपति अज महेश नारायण, ये जो पूरी रचना करी है जिसमें सब भक्तों का नाम अंकित है, उसमें अकबर और तानसेन सब भक्तों के जितने भक्तमान में चरित्र है, कहते हैं भक्त नामावली जी का नित्य प्रति सबको पाठ करना चाहिए, उससे सब भक्त आपके आसपास प्रकट हो जाते हैं और आपको भक्ति में सहायता करते हैं। वो छोटी सी है, 5-7 मिनट में पूरा पाठ हो जाता है, उसमें अकबर और तानसेन का नाम भी भक्त नामावली में स्मरण करा है श्री भगवत सिंह जी। तो इसको बहुत संतों के दर्शन की लालसा रहती थी, इसने तुरंत अपने दूत को भेजा है काशी नगरी में, जिसका नाम है हाफिज खान। बादशाह ने सुनियो संत ने मृतक जीवायो, तुरंत भेज संवाद दास तुलसी बुलवायो, कैसो सिद्ध फकीर जरा हम हूं तो देखें, दीनों मृतक जीवाए चमत्कारी जो भी सेखे, आज्ञा पाके नृपति की धावन पहुंचो आए, बोला चलिए तुलसीदास जी तुम्हें अकबर रहे आया है, कहा उन फकीर को लेकर आइए जरा हम भी तो देखें कैसे गदब गदब के चमत्कार करते हैं, मुर्दे को जीवा देते हैं, भी तो देखें कैसा जोर का फकीर है। अब तो वो दूत चला है और काशी नगरी में आया है, बोलता है तुलसीदास जी कौन है, उनको अकबर बादशाह जहां बनाने बुलाया है। जब अकबर आया है, दूत आया है अकबर का गोस्वामी जी के पास, कहते हैं उससे एक दिवस पहले ही महाराणा प्रताप जी होके गए थे गोस्वामी जी के पास, और जो आज हम सब बैठे हैं ये बहुत बड़ा योगदान है महाराणा प्रताप जी का और गोस्वामी तुलसीदास जी का। महाराणा प्रताप जी टूट चुके थे उस समय, बिल्कुल कोई उनके साथ नहीं था, सब विद्रोह कर चुके थे, राजपूतों में भी फूट पड़ चुकी थी, महाराणा प्रताप इकले पड़ गए थे, जानते थे कि अब मैं लोहा नहीं ले पाऊंगा मुगलों से। तब श्री गोस्वामी जी के पास आए थे, मुझे क्या करना चाहिए, ये महाराणा प्रताप मीरा जी जो थी ये महाराणा प्रताप की ताई जी लगती थी। हम मीरा जी के चरित्र में भी महाराणा प्रताप जी जब आए हैं उनके दर्शन के लिए चरित्र को सुन चुके हैं, महाराणा प्रताप जी की सगी ताई थी मीरा जी, भक्तों के वंश से प्रकट हुए हैं, तो भैया बलशाली भी थे और अनन्य भक्त भी थे। तब गोस्वामी जी ने इनको समझाया था, भैया गर्दन कट जाए लेकिन झुकना मत, कहा आप भी कुछ प्रयास करिए, आपके वचनों पे सब अमल करते हैं, सब उसका आश्रय लेते हैं, तो कुछ चिंगारी आप भी इनकलाब की फैला दीजिए ना। तब महाराणा प्रताप जी को कहा था
गोस्वामी जी ने, हम तो सत्संग में प्रायः कहते हैं पराधीन सपने हो सुख ना। तब गोस्वामी जी ने महाराणा प्रताप जी को समझा बुझा के भेजा था, किसी भी हाल में अकबर से संधि मत कर लेना, जब तक हो तब तक लड़ो। तब महाराणा प्रताप ने, इतिहास को हम सब जानते हैं, 40 दिन तक घास खा के युद्ध लड़ा है, 40 दिन तक घास खाई है, रोटी तक खाने को नहीं मिली, लेकिन पूरी फौज तैयार करी और मुगलों से लोहा लिया। तो ये हो के गए थे, गोस्वामी जी ने इनको मेरी बातें समझाया था, तभी फिर हाफिज खान पहुंच गए। अब हाफिज खान पहुंचा है काशी नगरी में और सबसे पूछता है, हाफिज खान आए तहां पूछत पता लोगन ते, हिंदू फकीर बाबा तुलसी से आए हैं हम मिलने। लोग बताते हैं, अच्छा वो तुलसीदास जी, अरे महान संत हैं, आपके पास कैसे खबर पहुंची? कहा ऐसे ऐसे मैं अकबर का दूत हूं, ऐसे ऐसे करके खबर पहुंची है मुझे, जरा बताओ तो सही उनके बारे में। अब सब वहां के लोग वो स्वामी जी के बारे में बता रहे हैं, ध्यान से सब सुने, इसके माध्यम से अब तक की लीला का भी चिंतन हो जाएगा। कहा ये साधारण नहीं है भैया, वो स्वामी तुलसीदास जी की तो बड़ी महान महिमा है। अच्छा क्या महिमा है, जरा बताओ तो सही। कहा सुनो, जिन्हें जन्मे राजगुरु के वंश, जन्मत 32 दंत, पायस पवाई स्वयं अन्नपूर्णा भवानी जो, शिव की कृपा से मिले सदगुरु श्री नर हरिदास, शेष सनातन की कृपा पढ़े वेद वाणी जो, कछु दिन ग्रह करके जग से उदास है, पत्नी से प्रेरित बदली जीवन कहानी जो, प्रेत हु पुनीत भयो लयो परम तृप्ति सुगति, पाए जिनके हाथन से सोच शेष पानी जो। और भैया इतना सब समझ गए होंगे, ये चरित्र को सुनते आ रहे हैं। कहा और आगे फिर पता क्या हुआ, हनुमत कृपा से राम दर्श लही चित्रकूट, रामचरित मानस को लेखन वरदान जो, जाप लिखे सत्यम शिवम सुंदर सुंदरम महेश स्वयं, थापे सर्वोपरि काशी नृपति प्रमाण जो, जिनको संपर्क पाए चोर भय परम साधु, अजि विधवा सुहागन भई पायो पति प्राण जो, ऐसो पुनीत परमारथी परम सिद्ध बाबा तुलसी है, जिनको जानत है सारा जान जो। और सुनो, कहा ऐसे हैं तुलसीदास जी, जिनको सारा संसार जानता है। और बताता हूं आगे की बात तुमको, क्योंकि उस समय तक मीरा जी श्री दिव्य धाम तक पधार चुकी थी और मीरा जी की ख्याति जन जन में फैली हुई थी। तो कहा, जिनसे मीरा जी ने मांगो परामर्श पत्र भेजी, सुधार्यो अघोरी जिनके क्षणिक सत्संग से, नाम के प्रभाव से सुधार्यो हत्यारे हु को, जाके हाथ पेड़ा खाए नंदिनी उमंग से, क्या बताऊं प्रतिभा अलौकिक कौन वाणी से बखान करे, जिनकी साधुता टपकती नित्य नित्य अंग से, वाणी प्रमाणित जिनकी सुरनर मुनि मनमानी, प्रेम रस सानी निर्मल गंतरम से। ऐसे दिव्य इतने महान संत हैं, मुझे झटपट उनके पास ले चलो। अब तो ये दूत हाफिज खान आया है गोस्वामी जी की शरण में, और आकर अब आकर बाबा तुलसी के चरण
झुकाया और बोला, बुला रहे बादशाह दिल्ली में यह फरमान सुनाया। गोस्वामी जी ने कहा, अच्छा बोलो भाई, क्या काम है? आज नहीं आए हो, पहले तो कभी सत्संग नहीं देखा। तब कहा, आपके चरणों में मेरा प्रणाम है। मैं जहां बना अकबर का भेजा दूत हूं और आपको बादशाह अकबर ने अपने राज दरबार में बुलाया है। तब गोस्वामी जी बोले, श्री तुलसीदास मुझसे क्या काज उन्हें, किस लिए वो बादशाह हमको बुलाते हैं? दूत कहे जहां पना आदर फकीर करे, गुण को सम्मान देते बीज बड़े जाते हैं। दूत ने कहा, वो स्वामी जी ने कहा, अरे भैया, हम फकीरों से बादशाह का क्या मेल है, हमको किस लिए बुला रहे हैं? तब दूत ने कहा, आप नहीं जानते, वो तो किसी की कला का बहुत सम्मान करते हैं और तो और फकीरों के प्रति उनका विशेष आदर है, और किसी के अंदर अगर कुछ हुनर है तो उस हुनर को देखकर तो रीझ जाते हैं, मुंह माला दाम देते हैं। बोले श्री तुलसीदास, मुझसे क्या काज उन्हें, किस लिए वो बादशाह हमको बुलाते हैं? दूत कहे जहां पना आदर फकीर करें, गुण को सम्मान दे जाते हैं। अब तो सोचत तुलसी दास हमको, कहा अकबर सो कान, पर हम नहीं जावे तो वो सेना लेकर धमके आन। इन बादशाहों में बड़ी अकड़ होती है, अगर इसने दूत भेजा है और अगर हम नहीं जाएंगे इसके बुलावे पर, तो फिर तो अगर हम जाते हैं तो इकला हमको कष्ट होगा आने जाने में, लेकिन अगर हम नहीं जाएंगे तो वो सेना लेकर आ पड़ेगा यहां पर, या तो भाव से आएगा दर्शन करने, तो भी राजा है बादशाह है तो लाव लश्कर लेके आएगा, और जब मुगलों की सेना आएगी तो सब यहाँ पे कुतूहल मचा देगी, और जो सब भजन करते हैं सुख शांति से, सबके भजन में विघ्न हो जाएगा, और अगर कुभाव से आ गया तो यहाँ पे सबको नष्ट कर देगा। तो अगर मेरे एकलौते के कष्ट उठाने से बाकियों को कष्ट मिट सकता है, तो वो कष्ट उठाने के लिए तुलसीदास तैयार है। गोस्वामी जी बोलते हैं, पर हम नहीं जावे तो वो सेना लेकर धमके आन। सोचें, अब गोस्वामी जी सोचते हैं, बहुत काल से श्री वृंदावन जाने को हम तरसे, सीकर जाऊं यह नहीं इच्छा, कब जाऊं श्री धाम वृंदावन। अरे शीघ्र ही जाने की मेरी कोई इच्छा नहीं है, मैं कोई बादशाह के फरमान पे शीघ्र नहीं जाने को तैयार हूं, मेरा तो मन है, शीघ्र तो एक बहाना है, मैं उस नटवर नागर से मिलना चाहता हूं, एक बार उसे देखना चाहता हूं। बहुत काल से श्री सर्वस प्राण आधार, ऐसा पावन श्री
जो सौभाग्य अवध की भूमि को नहीं मिला है वो सौभाग्य ब्रज की भूमि को मिला है। बाल लीला गोस्वामी जी ने भी बहुत संक्षिप्त में गाई है, मानुष जी ने अगर आप उसका चिंतन करेंगे। यदा कदा एक जगह सिर्फ कहा है गोस्वामी जी ने मानस जी को कि श्री राम जी आज धूल में सने हुए आए जो स्पष्ट कहा है। बाकी तो भगवत रसिक रसिक की बात है, रसिक बिना कोई समझ सके ना, हमारी तो समझ से परे है, लेकिन स्पष्ट रूप से मात्र एक जगह अंकित गया है कि आज श्री बालक राम शिशु राम जी महल के बाहर जाकर धूल में सनकर खेल कर आए हैं। एक बार और ब्रज लीला में कोई दिवस ऐसा नहीं है जिस दिन मैया ने बाल कृष्ण लाल को बैठा के उसके मुख से ब्रज रंगना पहुंची, उनका श्रृंगार ना संवारा। आज भी श्री राधा रमन लाल जी में ओलाई दर्शन है। ओलाई दर्शन यही तो है। ओलाई दर्शन क्या है? श्री राधा रमन लाल जी के दर्शन में बहुत रहस्य भरे हैं। एक रहस्य बताते हैं, आपने दर्शन करे होंगे श्री राधा रमन लाल जी दोपहर से शाम तक लकुटी धारण करते हैं, क्योंकि वहां पर बाल स्वरूप की उपासना है। कभी भी ठाकुर जी कर्म में मुर्गी धारण नहीं करते, लकुटी धारण करते हैं कि प्रति दिवस श्री लाल जी गैया चारण को जाते हैं और सांझ भरे जब आते हैं, जब संध्या आरती होती है तब लाल जी वापस आते हैं। उसके बाद जब राधा रमन लाल जी की शयन आरती हो जाती है, सब श्रृंगार को मंगल कर दिया जाता है, तब ठाकुर जी का सर्वांग दर्शन होता है शयन आरती के बाद, जिसको बोलते हैं ओलाई दर्शन। उसमें सिर्फ और सिर्फ लाल जी को बिंद धारण करते हैं। अब तो गोस्वामी लोग अपनी इच्छा से लाल जी को बहुत भारी भारी भरकम भरकम ओलाई में भी खूब सारा श्रृंगार धारण कराए रखते हैं, लेकिन लाल जी का जो नियम है वो यही है, उस समय लाल जी का सबका सब श्रृंगार मंगल कर दिया जाता है। सिर्फ चिन्ह जो मंगल श्रृंगार के हैं वो धारण रहते हैं, लाल जी बिल्कुल रिलैक्स मोड में रहते हैं। उस समय यशोदा मैया लाल जी का मुख पोंछती है, लाला तू तो धूल में सने हो सारे, लाला देख तेरे चरण कमल पे कैसो गोरज लगी है, गौ को सब गोबर वो लगो है, तू तो कैसी थेपी थेपी लगाए के आयो है, तेरो संपूर्ण अंग गोरज गोखुर रज में तेरो सदर रहो है, लाल आ तो मैं पूछ रहे हूँ तुरो सु मंगल कर दे हूँ, देख तो अब जब नेक सो सोएगो तो तुमको कष्ट होएगो, या रज रज तेरे अंग में चुभेंगी, या फिर आ तो मैं मंगल कर दे हूँ। तब यशोदा मैया के भाव से पद गायन होते हैं आज जी, और फिर गोपाल लाल जी को राधा रमन लाल जी को मंगल करा जाता है, सब श्रृंगार को मंगल कर दिया जाता है। वो नहीं हमें ठाकुर जी ये अंदर की लीलाएं चलती हैं, अभी बाहर दर्शन में नहीं आते, और ऐसी लीला नित्य है। उसके बाद जब लाल जी बिल्कुल ठीक ठाक अपना साफ सुथरा होके बैठ जाते हैं, मैया बड़ी प्रसन्न होती है, जाती है अपनी रसोई में कि लाला देख अब नटखट नावन ज्यादा, अब शांति से ठाड़ हो गए हो कह जो, अब मैं तेरे लिए दूध लेने को जा रही हूँ और दूध पी और झटपट सो जा। तब लाल जू खड़े खड़े मचल पड़ते हैं, वो ओलाई दर्शन। तब लाल जू अभी दर्शन नहीं खुले, अभी अंदर ओलाई चल रही है, क्या लाल जू मचलते मैया जल्दी ला जल्दी ला जल्दी ला, मैया कहे लाला मुख जा लाए रही हूँ लाए रही हूँ, ए मैया जल्दी ला मुझे भूख लग रही है, सुबह जल्दी उठना है, 5:30 बजे तू मेरी मंगलाय कर दे, मुझे जानो है फिर सुबह ही उठ के, तू जल्दी ला मुझे नींद आ रही अब जैसे हो। तो मैया कहे लाला देख तो सही ऐसे कैसे आ जाऊं, गरम गरम दूध है रे हो तेरा मुंह जल रहा हो, मैया तू ले आ बस आफत मचा दी तेरा। तो मैया कहती है नेक थम थम जा, ओ लाई लाला ओ लाई अभाल लाई तुरंत लाई ओ लाई। और जब मैया दुग्ध लाती है तब पीछे पद चलता है, पट बंद रहता है,
अवधूत लाई यशोदा मैया। ऐसे ऐसे रहस्य हैं राधा रमन जी के मंदिर में। तब मैया के ओलाई करती है मैया, ओलाई लालजू दुग्ध का पान करते हैं, तब फिर पट खुलता है और लालजू का ओलाई दर्शन होता है 5-7 मिनट का, और लालजू नित्य प्रति बांसुरी वादन सुनते हैं और बस फिर पट बंद हो जाता है। तो ऐसी ब्रज रज की महिमा है। क्या कहा, आगे गाए पाछे गाए इत गाए उत गाए, आगे गाए पाछे चर्चा क्यों कर रहे हैं, ब्रज रज की महिमा कितनी मानते हैं लालजू खुद। क्या गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, गायन के संग धावे, गायन में सच पावे, और गायन की खूर रज अंग लपटा, गायन के संग धावे, गायन में सचु पावे, और गायन की खुर रज, एक तो ब्रज रज है और ऊपर से परम प्रिय मेरी प्राणों से प्यारी गऊ माता है, उनके खुर रज जहाँ खुर पड़ते हैं, रज को लाल जू लपखट्टा कर करके जैसे हम लोग रमन रेती में खेलते हैं ऐसे अपने ऊपर उड़ेलते हैं, गायन की खुर रज अंग लपटावे, आगे गाने पास ऐसी ब्रज रज की महिमा। वृंदावन प्यारों अधिक यादे प्रेम अपार, जावे खेलत लाडलो सर्व सुप्राण आधार। अब तो काशी से चले बाहर